आप जिस कम्युनिटी में भी जाओ उसके तौर तरीके से रह सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक आपके है, आप किसने कहा है, किसने कहा है आपको? इमाम ने कहा है। इमाम ने कहा है कि जिस भी कम्युनिटी में चले जाओ उन उनके तौर तरीके अख्तियार कर लो। नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि हम बहस करने नहीं चाहते, अलाउ नहीं है। ठीक हो गया, एक लेकिन बात मैं सुनिए, एक बात सुनिए। आपने कहा जी कि आगा खान ये कहते हैं, आपके मौला ये कहते हैं कि जिस भी कम्युनिटी में जाओ उस तरीके से कर सकते हो। तो अगर आप क्रिश्चियंस के साथ हो, बाहर मुल्क रहते हो, तो क्या आप उनके चर्च में जाके जीसस को खुदा मानते हुए इबादत कर सकते हो उनकी? क्यों करूं मैं? अभी तो आपने कहा कि इमाम ने कहा है कि जिस कम्युनिटी में हो वो चले जाओ। नहीं, मैंने आपको कहा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उधर मस्जिद में पढ़ सकता हूँ, चर्च में क्यों जाऊं मैं? मस्जिद में अगर आप पढ़ने जाओगे तो जो आपका जमात जमात जो तीसरी दुआ पढ़ती है वो तो टकराती है हमारी मगरिब की नमाज के साथ। तो नमाज पढ़ोगे या जमात खाने जाओगे? देखो, अभी मैं जिधर हूँ ना, उधर मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ सकता हूँ, पढ़ रहा हूँ। आप मना कर सकते हो मुझे? मैंने सिर्फ एक बात कही आपसे कि अगर आप नमाज पढ़ने का सोच रहे हैं तो माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूं आपके लिए, मेरा आप पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन फिर मैं सवाल ये करूंगी कि एक तरफ आप कहते हैं कि मुशरिक वो होता है जो अल्लाह के साथ किसी को शामिल करे, आप एक तरफ कह रहे हो कि मैं जमात खाने भी जाऊंगा और मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ूंगा। तो ये किस तरह आप मैनेज करोगे कि एक तरफ आप एक इंसान की इबादत करोगे, दूसरी तरफ आप अल्लाह की करोगे, कैसे काम चलेगा ऐसे? आपकी समझ नहीं एक तरफ आप कहते हैं मैं जमात खाने जाऊंगा क्योंकि मैं आगा खानी हूँ, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मैं नमाज भी पढ़ना चाहता हूँ। तो आप कैसे अल्लाह को मानते हुए अल्लाह के साथ शरीक भी तो कर रहे हैं ना आगा खान को अपने जमात खाने में, नमाज दुआओं में? तो नियत का दारोमदार होता है ना। नियत का दारोमदार होगा तो फिर आप ये बताइए कि आप अपने घर बैठे भी तो आगा खान को पुकार सकते हैं, जमात खाने जाने की क्या जरूरत है? नहीं, नमाज तो जमात में अदा करना होता है ना। नमाज जमात में अदा करनी होती है तो जो दुआ पढ़ते हैं उसमें आगा खान को जब पुकारते हैं तो क्या ये अल्लाह के साथ शिर्क नहीं हुआ मेरे भाई? तो ऐसा किधर पुकारा जिसे शिर्क हो ना? देख, अभी देखो, हाँ बोलो भाई। मेरे कंसेप्ट में जो होता है ना, बात सुन रही हो? जी भाई सुन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने पढ़ा वो मुसलमान है, मानते हो आप भी? आप फिर इस हिसाब से कादियानियों को मुसलमान मानते हो क्योंकि उनका तो कलमा तब्दील भी नहीं हुआ, वो तो एग्जैक्ट यही पढ़ते हैं। आपका जो कलमा है उसमें तो आप अलीउल्लाह बोलते हो लेकिन जो कादियानी है उसने तो कोई भी एडिशन नहीं की। तो क्या आप अपने इस फॉर्मूले के तहत कादियानियों को मुसलमान बोलते हो? तो उनका तो मैंने कभी वो नहीं की ना, क्या नहीं की? स्टडी ही नहीं की, पढ़ा ही नहीं उनके बारे में। मुझे आपने अपना नाम नहीं बताया लेकिन आप भाई हो हमारे, कंफ्यूज भी हो। जब आपने इस्लाम नहीं पढ़ा और आपको ये नहीं पता कि सिर्फ कलमा, कलमा जो है एक दरवाजा है किसी जगह अंदर दाखिल जी होने के लिए, आप जब कलमा पढ़ते हो तो आप उस जगह में दाखिल हो जाते हो। अब आपने अगर उस जगह में अपना अपना घर बनाना है, आपने मुस्तकिल वहां पे कायम करना है, तो आपको उस घर की उसके मालिक की तमाम बातों पर ईमान रखना और उसके हुक्म पर चलना है। जहां आपने उसके एक भी हुक्म का या उसके एक भी ईमान पर आपने सवाल किया तो वहां पर आप उस घर से निकाल दिए जाते हो। जैसे कि हदीस में आता है कि जिसने जानबूझकर एक वक्त की भी नमाज छोड़ी उसने गोया कुफर किया। ईमान और कुफर के बीच फर्क नमाज है। अगर आप एक टाइम की भी नमाज छोड़ देते हो तो आप काफिर हो जाते हो, ये ना होने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल हदीसों से साबित है। इसी तरह कोई ये कहे कि हज तो वाजिब है लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा दिल नहीं करता या मेरा इमाम नहीं करता, तो उसी वक्त ही आप फारिग हो जाते हो, आप इस्लाम के दायरे में नहीं नहीं रहते। नहीं बोलिए। नहीं हज जो बंदा
कर सकते हैं ना। अभी देख, गरीब तो बंदा तो नहीं कर सकता। मेरे भाई गरीब पे फर्ज है भी नहीं ना, मैंने वाजिब का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? अगर आपके पास पैसे हैं, आपकी बहन की या आपकी घर में बेटी की शादी अभी होनी बाकी है, तो आप हज पे नहीं जाओगे? आपके ऊपर कर्ज है तो आप नहीं जाओगे? अगर अल्लाह ना करे आप पर कोई माजूरी है तो नहीं जाओगे? लेकिन अगर आप में कोई ऐब ही नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो फिर इनकार ना जाने का क्या है? अब मुझे ये बताइए कि आपके इमाम ने आज तक हज नहीं किया, वो कभी भी हज पे नहीं गए, ना उनकी फैमिली का कोई मेंबर गया, उनकी मुझे कोई आप बता दें क्या वो गरीब है, या उनके ऊपर कोई कर्ज है, या उनकी बेटियों की शादी होने वाली है, तो क्यों नहीं जाते हज पे? उनके लिए खुद को भी नहीं, सम्मान होना चाहिए था। ये आप कैसे कह सकते हो कि वो आज नहीं किया? आपको क्या पता? आप मुझे ये बताइए कि आपके इमाम अगर एक आइलैंड पे वेकेशंस पे जाते हैं तो उसकी पिक्चर आ जाती है, क्या आपके नजर में आज तक आपके किसी भी इमाम ने एहराम बांध कर खाने काबा की तरफ, या आजकल तो छोटा मोटा सेलिब्रिटी भी जाता है तो उसकी पिक्चर आ जाती है, आपके इमाम की कोई पिक्चर या कोई ऐसा कोई आप मुझे फरमान बताएं जहाँ कि आपके इमाम ने कहा हो कि मेरी प्यारी जमात या मेरे रूहानी बच्चों मैं हज करके आया हूँ, तुम लोग भी जाओ? कभी है ऐसा कोई फरमान आपकी नजर में? नहीं, तो देखो ना मेरे भाई, इधर तुम भी फैक्ट्स की बात कर रहे हो, मैं भी फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। मैं भी कोई ऐसी बात नहीं करूंगी कि मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाना या हराना नहीं है। बड़े अच्छे भाई हो, अच्छे से बात कर रहे हो। अगर कुछ समझने की नियत से आए हो तो मैं अपनी जितना भी टाइम है आपको कन्विंस तो नहीं, फैक्ट्स बताऊंगी। आगे मानना ना मानना आपका अपना ऊपर है। आपके इमाम ने आज तक जमात खाने में दुआ आप लोगों को नहीं पढ़ाई, आप लोगों की जमात ने आज तक इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। आपके इमाम जो है वो अगर किसी मुसलमान के साथ होते हैं तो उनके पीछे खड़े होके, इमाम के पीछे खड़े होके, नहीं सुन्नी या शिया मौलवी के पीछे खड़े होके नमाज पढ़ते हैं, वो कभी भी इमामत भी नहीं करवा सकते। उनके बच्चों की शादियां होती हैं तो इमाम अपने बच्चों का निकाह का खुतबा भी नहीं पढ़ते, वो बुलाते हैं किसी आलिम को, किसी मौलवी को बुलाते हैं और फिर उनके बच्चों का निकाह होता है। तो ये सारी बातें कभी सोचो अगर अपने दिल से, क्या ये आपको सही लगती है? तो इससे आपको क्या साबित करना चाहती हो आप? नहीं, साबित नहीं करना चाहती, मैंने आपको कोई फोन नहीं किया, आपने मुझे किया, और आपकी इंटेंशन आपकी नियत भी अच्छी है कि आप एक सवाल करने आए हो कि ये सब कुछ करके क्या मिल रहा है, आप क्यों कर रही हो। तो मेरे भाई, मुझे अल्लाह सुबहान ताला ने हकीकत दिखा दी, मैं इस्लाम की तरफ आ गई। मैं भी ये चाहती हूँ कि जिस तरह मुझे भी किसी ने एक दफा पहला सवाल किया था ना कि ये तुम किस तरह का रोजा रख रही हो, तुम खा पी रही हो, तो मुझे अगर वो सवाल ना करते तो मैं तो इसी गुमराही में रहती, मुझे यही लगता कि मेरा इमाम सही है, मेरा इस्लाम सही है। लेकिन जब कुरान पढ़ा तो उसमें इस्माइली मजहब है ही नहीं मेरे भाई। कोई एक चीज भी आप मुझे बताओ जो आप मौला अली की मानते हो, मौला अली के तरीके से नमाज, मौला अली के तरीके से रोजा, उनकी तरह का हज, उनकी तरह का पर्दा, उनकी तरह की इबादतें, मुझे बताओ क्या मौला अली की कौन सी बात आपके इमाम में है जो आप उनको मौला बापा या अली बापा करके पुकारते हो? तो मैं एक बात पूछूं, आप जी पूछिए भाई। अपने फैमिली को पहले ले आए हो इधर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबने इस्लाम कबूल कर लिया। तो हम इस्लाम के दायरे में नहीं है अभी। देखो मैंने आपको शायद तकरीबन, हमें तकरीबन हो गई 44 मिनट्स हो गए मुझे आपसे बात करते हुए, मैंने आपसे ये कहा कि आप अपने आप से खुद सवाल कीजिए कि इस्लाम क्या है। इस्लाम है टोटल सबमिशन टू अल्लाह सुब्हान ताला, कि अपना सब कुछ अल्लाह की अतात और उसके नबी के अतात में लगा देना। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कौन सी अतात करते हैं? जिस तरह की नमाज रुकू वाली कायम वाली कुरान में मौजूद है वैसी पढ़ते हो? अगर आप, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, अगर आप पढ़ते हो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। रोजा रमजान का जिस तरह कुरान में बयान है, हदीसों में बयान है, वैसा करते हो? माशाल्लाह।
अगर आप हज करने की नियत रखते हो और आपको कोई चीज नहीं रोक सकती, तो माशाल्लाह आप तमाम चीजें वो करोगे जो मुसलमान करते हैं और जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। पर अगर ये सब करने के बाद भी आप जमात खाने जाते हो, इमाम से दुआ मांगते हो, अपनी इस्माइली दुआ पढ़ते हो, क्योंकि उसमें शिर्क है, तो आप फिर मुशरिक हो जाते हो मेरे भाई। अच्छा मुशरिक का जो मतलब होता है कि अल्लाह की जात और अल्लाह की सिफात, उसकी एट्रीब्यूट्स में किसी को शामिल करना कि अल्लाह भी करता है और ये भी करेगा, अल्लाह भी मुश्किल कुशा है, इमाम भी मुश्किल कुशा है, मेरी दुआ अल्लाह 7 आसमानों से ऊपर सुन लेता है, लेकिन मेरा इमाम पोर्चुगल बैठा है, मैं यहाँ से उसके लिए दुआ करता हूँ, मेरी दुआ सुन लेता है। तो ये सारे अकीदे जो हैं वो आपको गुमराही, आपको शिर्क की तरफ ले जाती है। अच्छा चलो फिर ठीक है। फिर एक बात और पूछूं आपसे, जी पूछिए भाई। जो आप ये अभी आप पोस्ट करते हो ना फेसबुक पे, तो उसमें लोगों का रिएक्ट किस तरह आता है, आपको लोग क्या कहते हैं? देखो, उसमें साफ बात यह है कि जो पेज बनाया है उस पे मोस्टली स्माइली होते हैं, जाहिर सी बात है वो आपकी तरह नाराज होते हैं पहले, फिर सवाल करने आते हैं, जवाब नहीं मिलते तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पास अल्लाह ने समझ दी है, सोच दी है, तो वो उस पर गौर करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर उसका वो हमें जवाब ला कर देने की कोशिश करते हैं, कई साल लग जाते हैं उनको हमारे साथ आर्ग्यू करने में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देन एंड देयर समझ जाते हैं कि हाँ दिल में तो खटका था और आपकी जो बातें हैं वो भी, उसके जवाब हमारे मुख ही किसी ने नहीं दिए, तो वो इस्लाम कबूल करते हैं। कितने लोगों ने अभी इसी महीने इस्लाम कबूल किया, उससे पहले 27 लोगों ने किया, उससे पहले कितना किया। तो अगर आप हक की और सच की तलाश निकले और आपको मोहब्बत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अहले बैत से, अल्लाह से, तो फिर उसका उसका यही तकाजा है कि आप 1 सेकंड की भी देरी किए बिना इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगली सांस आएगी या नहीं आएगी, और अगर इसी हालत में इंतकाब कर गए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। नहीं, एक और बात, जी भाई पूछिए। हेलो, जी जी पूछिए। इस्लाम में इजाजत है कि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं? असल में हम दोनों नहीं है इस वक्त, मेरे रूम में मेरे हस्बैंड सामने बैठे हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनकी इजाजत से बात कर रही हूँ। तो इजाजत है गैर रूम में रूम से बात करना? अगर आपका लहजा और आपकी बातें दोनों इसी टॉपिक पर हैं कि आप इस्लाम की दावत दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो तो हमारी जो साहिबात थी, हमारी सहाबा कराम की जौजा थी, या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी जो जौजा कराम थी, हमारी मोमिनों की मुंह जितनी भी है, सबसे ज्यादा हदीसें उनसे मिली। हमारी अम्मा आयशा ने तो हदीसों पर अमल करके भी दिखाया कि किस तरह करना होता है, सहाबा की जमात जाती थी उनसे जाके इस्लाम सीखती थी, इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला की भी तदबीर इसी में थी कि एक जवान औरत से शादी की, ताकि वो एक लंबे अरसे तक इस्लाम की या नबी के साथ जिंदगी गुजारने के बाद वो ही चीज ट्रांसफर करे। अगर इसमें शर्त है कि अगर आप तन्हाई में नहीं है, आपके मेरा जो महरम है, मेरे हस्बैंड है, वो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, और मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बात कर रही हूँ, मैंने आपसे अभी तक ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई, या तुम कहाँ रहते हो, या तुम्हारा क्या है, हम लोग सिर्फ इस्लाम पे बात कर रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल जायज है और इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन लेकिन एक अच्छा सवाल मैं आपसे ही करूं कि मेरे भाई, तुम्हारा सवाल बिल्कुल जायज था, होना भी चाहिए, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि इमाम की जो बेटी है वो स्कर्ट्स पहन के जब अंग्रेजों के साथ मिलती है, बोट्स पे शराब फोड़ती है और उसकी बैप्टाइजेशन करती है, याच की जो है वो ओपनिंग करती है, सरीना होटल्स में वो जिस तरह के लिबास, या उनकी जो बहुएं हैं वो किस तरह घूमती फिरती, आपके जहन में उनके लिए कभी ये सवाल आया कि इमाम जो अहले बैत से होने का दावा करते हैं उनकी खवातीन ऐसे कैसे घूम सकती हैं? मतलब मेरे लिए तो आपने किया, बहुत अच्छा किया, बाकी लोगों का भी जहन क्लियर हो जाएगा इस जवाब से, लेकिन कभी आपने अपने इमाम के बारे में ये चीजें सोची हैं कि उनका नामहरम औरतों के साथ घूमना,
बोर्ड्स पर वेकेशंस गुजारना, उनको गले लगाना, उनके गालों पर भी चूमते हैं आपके इमाम, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। तो कभी ये सवाल उनके लिए आया आपके जहन में? चलो इसके बारे में बाद में ठीक होगा। उसका जवाब नहीं है आपके पास? नहीं मैं पढ़ लूंगा ना जो किताब आपने भेजी है। किताब के अलावा मैं वीडियो भेज दूं जहां पे जारा आगा खान एक दूसरे अंग्रेज आदमी को गले लगा रही शराब फोड़ने के बाद, वो भेजूं? नहीं रहने दे। आप पंजाबी एक्सेंट से बात कर रहे हो, कहाँ से ताल्लुक है आपका? नहीं वो तो मैं नहीं बता सकता। कोई मसला नहीं है, मैं आपसे पे आपको फोर्स भी नहीं करूंगी। तो जमात खाने में जो आप सब चीजें कर रहे हो, मेरा आखिरी मतलब मैं आपसे बात मुकम्मल करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास मजीद आज जब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो वन वे ट्रैफिक तो चल नहीं सकती है। तो आपसे चंद बातें ये गुजारिश करूंगी कि मेरे भाई अगर आ ही गए हो और दिमाग में चीजें चल ही रही हैं कि ये सवाल या वो सवाल, तो फिर थोड़ा सा स्टडी करो। जमात खाने में जब इमाम को पुकारते हो या इमाम जमान, तो क्या वो आपकी दुआ सुनते हैं जब आप उसको या करके पुकारते हो? और अगर आप उसको जो है ये समझते हो कि वो आपकी पुकार सुनता है, तो क्या ये आप अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते? देखो ये एक अकीदा अकीदा भी ड्राइव कुरान से ही होना चाहिए। आप खुद से नींद से उठेंगे और अगले दिन ये कह देंगे कि ये मेरा अकीदा है, तो वो अकीदा नहीं है, वो खराफात होती है। लेकिन अकीदा ड्राइव भी कहाँ से होगा? मौला अली, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान। अगर इनसे आपको वो अकीदा मिलता है तो 100 बिस्मिल्ला। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मेरा अकीदा है कि मैं इमाम से दुआ मांगता हूँ और वो मेरी सुनता है, तो वो कुरान और हदीस में आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको आपके दिमाग में ही मिलेगा या इमाम से मिलेगा, उसकी कोई बेसिस नहीं है। तो ऐसा अकीदा रखना ही कुफर है मेरे भाई। नहीं मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। चलो मैं पूछूंगा अपने जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनसे पूछूंगा, उनसे मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपसे किसी टाइम बात कर सकता हूँ। बिल्कुल जरूर कीजिएगा। हम सिर्फ जो है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर आपके सवालात हैं इस्लाम पर हैं या इस्माइलिज्म से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह मैं आपकी बहन हूँ, मुझे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि अगर आप पहले एक टेक्स्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको टाइम निकाल के आपसे बात करूंगी। लेकिन इस्माइली होके मत सोचो, सोचो कि जैसे आप कह रहे थे कि मैं मुसलमान ही हूँ, तो एक मुसलमान के अकीदे से जो कि कुरान और हदीस से आता है, फिर अपने आप को परखो कि क्या तुम शिर्क तो नहीं कर रहे। अगर शिर्क नहीं कर रहे तो अल्लाह सुबहान ताला का बयान है, अल्लाह सुबहान ताला ने फरमाया है कि फिर छोटे मोटे गुनाह में अपनी जात मुबारक का के रहमत से माफ कर सकता हूँ, शिर्क कभी माफ नहीं करूंगा। तो अभी अगर आप जमात खाने जाते हो तो ये लिख कर रख लो मेरे भाई कि आप शिर्क करते हो, चाहे ये आपका अकीदा है, चाहे आपकी नियत हो या ना हो। अल्फाज तो निकलते हैं मुंह से, आप इमामों को पुकारते तो हो, आप अलीउल्लाह तो बोलते हो, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये शिर्क हैं। अगर जमात खाने जाते हो तो ये बात जहन से निकाल दो कि आप मुकम्मल तौर पर शिर्क से खाली हो, बल्कि आप शिर्क करते हो। ठीक है, चलो आप कितने साल जमात खाने गई हो? मैं तकरीबन 24 साल तक गई हूँ, 24 साल तक। अभी झूठ बोली आपने। क्यों? आपकी जो एक वॉइस मैंने सुनी थी उसमें आपने कहा था कि मैं 21 साल। बात सुनिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, मैंने आपसे कहा था कि 21 साल की उम्र में मुझे ये बात पता चली कि मैं आगा खानी मजहब जो फॉलो कर रही हूँ वो कुरान में नहीं है। आपने अगला सवाल ये किया कि आपने फौरन छोड़ दिया, तो मैंने कहा नहीं मेरे भाई, मुझे 3 साल लगे मुकम्मल तौर पर इस्लाम में आने के लिए। तो तब तक भी मैं जमात खाने जाती थी, लेकिन जब मेरा आखिरी जो साल था वो 24वां साल था, उसके बाद मैं कभी जमात खाने नहीं गई। क्लियर? क्लियर ठीक है फिर बात होती है। इंशाल्लाह, जमात खाने जाते हो तो शिर्क करते हो, ये लिख के रख लो मेरे भाई। ठीक है ना? गया।